दोस्तों, क्रिकेट में आपको कई धुरंधर खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने एक से एक कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। लेकिन हमारे भारतीय क्रिकेट का एक नाम ऐसा भी है जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर है, और वो नाम कोई और नहीं बल्कि हमारे कैप्टन कूल MS धोनी है, जो न सिर्फ बल्लेबाजी में अपना जौहर दिखाते हैं बल्कि इनके दिमाग का भी क्या कहना। जी हाँ दोस्तों, इनके द्वारा लिए गए डिसीजन और विकेट कीपिंग के तरीके वाकई लोगों को हैरत में डाल देते हैं। इसीलिए आज हम आपको महेंद्र सिंह धोनी के उन शानदार डिसीजन को दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट का इतिहास बदल दिया। ब्लाइंड रन आउट। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग पत्थर को भी छूकर सोना बना देते हैं, और ऐसा ही कुछ हाल धोनी का भी है, जो इतने बेहतरीन तरीके से विकेट कीपिंग करते हैं कि बिना देखे ही सामने वाले खिलाड़ी को आउट करने का दम रखते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रहे एक मैच में जब भारतीय बॉलर उमेश यादव ने बॉल फेंकी तो न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाज रॉस टेलर ने ऑन साइड पर शॉट खेला, जिसके बाद बॉल फील्डर की तरफ जाने लगी और बल्लेबाज रन लेने के लिए दौड़ने लगे। लेकिन जैसे ही दूसरे रन के लिए दौड़े, फील्डर ने बॉल तेजी से धोनी की तरफ फेंक दी और धोनी ने उसे कैच करके बिना पीछे देखे स्टंप पर बॉल मार दी और बॉल जाकर डायरेक्ट स्टंप को हिट कर गई, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड का बल्लेबाज रन आउट हो गया। और इसी चीज को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक खड़े होकर धोनी के लिए तालियां बजाने लगे, क्योंकि बिना देखे इस तरह से आउट करने का दम केवल धोनी ही रख सकते हैं। परफेक्ट डिसीजन। दोस्तों, ये बात है 2016 की, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी और हम लगातार हार रहे थे, जहां हमने लगातार 4 वनडे गंवा दिए थे और 5वें वनडे में मनीष पांडे और महेंद्र सिंह धोनी पिच पर थे। इन्होंने मैच को अंत तक पहुंचा दिया था, लेकिन जीत के करीब जाते ही धोनी कैच आउट हो गए। अब आप धोनी का ये डिसीजन देखिए, उन्हें पता चल गया था कि वो आउट होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत मनीष पांडे को इशारा करके उस साइड जाने को कहा, जिससे नए बल्लेबाज को स्ट्राइक न लेनी पड़े और मनीष पांडे ही बल्लेबाजी करे। और उनके इसी इंस्टेंट डिसीजन ने भारत को मैच जिता दिया, क्योंकि उस समय मनीष पांडे ने बेहतरीन बल्लेबाजी से रन बना लिए थे। दोस्तों, उसी सीरीज में भारत में बहुत सारे यंगस्टर्स मौजूद थे और अगर हल्की सी भी चूक हो जाती तो पूरी सीरीज हम बड़े शर्मनाक तरीके से हारते। फास्ट रनिंग। दोस्तों, कुछ बल्लेबाज ऐसे होते हैं जिनकी पूरी इनिंग चौकों और छक्कों पर डिपेंड करती है, वो सिंगल लेने से कतराते हैं। लेकिन धोनी एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो न सिर्फ चौकों छक्कों की बरसात कर सकते हैं बल्कि सिंगल्स और डबल्स लेकर भी मैच को जिता सकते हैं। और सिंगल तो क्या, वो तो जहां पर सिंगल नहीं होता वहां डबल लेकर अपनी शानदार फिटनेस और स्पीड का प्रदर्शन दिखा देते हैं। अब जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए कैसे इन्होंने तुरंत भाग कर एक रन लिया, ये जानते हुए कि गेंद विकेट के पास है। लेकिन उसके साथ ही जब उन्होंने देखा कोई भी फील्डर उस जगह पर मौजूद नहीं है, तो उन्होंने दूसरे रन के लिए दौड़ लगा दी, जिसे देख सामने वाली टीम के विकेट कीपर ने भी दौड़ लगाई। अब भला कोई धोनी से तेज कौन दौड़ने वाला था। धोनी तुरंत स्टंप के पास पहुंचकर न सिर्फ रन आउट से बचे बल्कि टीम के पाले में 2 रन भी डाल दिए। ग्रैब एंड हिट। दोस्तों, आज के समय में धोनी जैसी पॉपुलैरिटी हासिल करना बहुत कठिन है, क्योंकि इनके जितने रिकॉर्ड बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। धोनी के लंबे छक्के और तेज विकेट कीपिंग के आगे अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के हौसले पस्त हो जाते हैं, और ऐसा कई बार कई खिलाड़ियों द्वारा कहा गया है कि उन्हें वाकई धोनी के खेलने से डर लगता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो शुरुआत से ही भागने में माहिर है। फिर चाहे वो रन लेने के लिए भागना हो या फिर रन आउट करने के लिए, दोनों ही मौकों पर धोनी ने अपना जौहर दिखाया। और ठीक ऐसा ही इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में हुआ, जब भारतीय बॉलर द्वारा इंग्लैंड के बल्लेबाज को धीमी गेंद डाली गई, जिसे बल्लेबाज ने बड़ी ही चतुराई से 1 रन लेने के लिए खेला। पर धोनी के होते हुए 1 रन लेना भी लोगों का दुश्वार हो जाता है, तभी तो उन्होंने खुद ही जाकर फील्डर की तरह बॉल को तुरंत पकड़ा और स्टंप पर दे मारा, जिस वजह से बल्लेबाज आउट हो गया और उसके बाद तो पूरे स्टेडियम में तालियों की गूंज ही सुनाई दे रही थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको महेंद्र सिंह धोनी का शानदार हुनर देखकर काफी मजा आ रहा होगा, और अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देख पाएं आप। परफेक्ट यूज ऑफ लेग्स। दोस्तों, धोनी क्रिकेट खेलने से पहले फुटबॉल खेला करते थे और इसी वजह से उनका अपने पैरों पर काफी अच्छा बैलेंस है, और वो अपने पैरों का सही इस्तेमाल करना भी बखूबी जानते हैं। अब जैसे कि आप इस वीडियो पर नजर डालो, जहां पर इन्होंने RPA की तरफ से खेलते हुए अपने दोनों हाथों से नहीं बल्कि अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए तुरंत पैरों से कीपिंग की, जिस वजह से उन्होंने 4 रन बचा लिए, वरना अगर वो ऐसा ना करते तो डायरेक्ट 4 रन किंग्स 11 पंजाब के पाले में चले जाते। दोस्तों, इस शानदार तरीके को देखकर सभी लोग वहां जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्योंकि IPL के मैच में तो वैसे भी लोग उत्साहित होते हैं, और अगर उन्हें धोनी का ये अनोखा स्टंट देखने को मिल जाए तब तो लोग और ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं।
हालांकि धोनी के इस तरह से पैरों का इस्तेमाल करके बॉल बचाने के बाद कई सारे विकेट कीपर्स ने उनके स्टाइल को अपनाया। बिटवीन लेग्स रन आउट। दोस्तों, क्रिकेट को चमत्कारों का खेल कहा जाता है। यहाँ हर एक पल में पासा पलट सकता है और पूरा गेम एक तरफ से दूसरी तरफ लुढ़क सकता है, जिसके लिए बस खिलाड़ियों के साहस और हिम्मत की जरूरत है। बाकी तो क्रिकेट में हैरतअंगेज चीजें होती रहती है। अब जैसे कि आप हमारे कैप्टन कूल का रन आउट करने का ये शानदार तरीका देखिए। असल में जब भारत और बांग्लादेश का मैच चल रहा था और रविंद्र जडेजा द्वारा फेंकी गई गेंद पर बांग्लादेशी बल्लेबाज मुशफिकार रहीम ने ऑफ साइड की तरफ खेल दिया और रन बनाने के लिए दौड़े, पर शायद मुशफिकार ये भूल गए थे कि वो किसके साथ खेल रहे। तभी तो बिना बहुत दूर जाए उन्होंने दूसरा रन लेने की भी सोच डाली, लेकिन फील्डर ने गेंद तुरंत पकड़कर धोनी की तरफ फेंक दी और धोनी ने बड़ी चालाकी से अपने पैरों के बीच से ही निकाल कर गेंद को हाथों द्वारा स्टंप पर मार दिया और गेंद जाकर डायरेक्ट स्टंप को लगी, जिस कारण बांग्लादेशी बल्लेबाज रन आउट हो गए। विकेट प्लानिंग। दोस्तों, धोनी की विकेट कीपिंग का कोई तोड़ नहीं है। वो पलक झपकते ही बल्लेबाज को स्टंप कर देते हैं, लेकिन अगर आपने धोनी की ये स्टंपिंग नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि यहाँ धोनी ने अपने हुनर से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, मैच था पाकिस्तान के खिलाफ और धोनी बहुत अच्छे से जानते थे कि शाहिद अफरीदी चौके और छक्कों की बरसात करने के मूड में, और इसलिए उन्होंने बॉल थमा दी क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को और जानबूझकर उनसे वाइड बॉल डालने के लिए कहा, ताकि अफरीदी इस बॉल को हल्का समझकर आगे बढ़े। और अफरीदी ने ठीक वैसा ही किया। वो सचिन तेंदुलकर की बॉल को हल्का समझकर आगे बढ़कर मारने की कोशिश करने में लग गए, लेकिन बॉल तो वाइड ही जानी थी और जैसे ही बॉल हमारे धोनी साहब के वाले में आई वैसे ही आगे बढ़ चुके शाहिद अफरीदी आउट हो गए और उनका सिक्स मारने का सपना धरा का धरा रह गया। क्विक रन आउट। दोस्तों, हर कोई धोनी के बल्ले की रफ्तार के बारे में बखूबी जानता है और किस तरह ये बल्ला घुमाकर बॉल को डायरेक्ट ग्राउंड के बाहर छोड़ देते हैं, और इसी तरह अपने हाथों की रफ्तार का भरपूर प्रयोग विकेट कीपिंग के दौरान भी करते हैं। दोस्तों, जब भारतीय गेंदबाज द्वारा ऑस्ट्रेलिया के शानदार बल्लेबाज शॉन मार्श को बॉल कराई गई तो उन्होंने बॉल को बहुत तेजी से हिट किया, जिस वजह से बॉल फील्डर को पार करती हुई आगे बढ़ गई। लेकिन तभी उमेश यादव बॉल की तरफ दौड़े और चार रन होने से बचाने के साथ साथ उन्होंने तुरंत बॉल को धोनी की तरफ फेंक दिया। किसी को भी यहां पर रन आउट होने की कोई आशंका नहीं लग रही थी, क्योंकि शॉन मार्श दूसरा रन लेने के लिए बस पहुंचने वाले थे। तभी बॉल धोनी के हाथ लग गई और धोनी ने तुरंत बॉल को स्टंप पर दे मारा, जिस कारण शॉन मार्श रन आउट हो गए। धोनी की इस रफ्तार को देखकर भारतीय फैंस के चेहरे पर वापस से खुशी आ गई। मैच विनिंग रन आउट। दोस्तों, आपने कई सारे मुकाबले देखे होंगे और कई मुकाबलों में खिलाड़ियों को अपना हुनर दिखाते हुए देखा होगा, लेकिन जब बात वर्ल्ड कप की आती है तो हमारी एक्साइटमेंट डबल ट्रिपल हो जाती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ भारत के नाम हो। तभी तो सभी लोग हर एक मैच पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं। पर क्या दोस्तों, आप लोगों ने कभी किसी नॉकआउट मुकाबले में किसी टीम को रन आउट करके मैच जीतते हुए देखा है? दोस्तों, ऐसा करिश्मा तो सिर्फ हमारे MS धोनी कर सकते हैं। वर्ल्ड कप T20 मुकाबले में भारत के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश की टीम खेल रही थी और भारत हार की तरफ जा रहा था, क्योंकि बांग्लादेश का पलड़ा भारी हो रहा था। और तभी मैच में कई मोड़ आए, क्योंकि भारत के खिलाड़ी कहां इतनी जल्दी हार मानने वाले थे, इसलिए उन्होंने डटकर मुकाबला किया और मैच आखिरी गेंद तक पहुंचा दिया, जहां बांग्लादेशी टीम को सिर्फ और सिर्फ 2 रन की जरूरत थी। तभी भारतीय बॉलर हार्दिक पांड्या ने जब बल्लेबाज की तरफ गेंद फेंकी तो बॉल बल्लेबाज से चूक गई और धोनी के हाथों में जा पहुंची, लेकिन फिर भी बल्लेबाज रन लेने के लिए दौड़ गए। अब भला कोई धोनी से तेज कहां दौड़ पाएगा, जिस कारण लास्ट बॉल पर हमारे भारत ने बल्लेबाज को रन आउट करके बांग्लादेश के खिलाफ क्वार्टर फाइनल जीत लिया। माइंड प्लेइंग। दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें शरीर के साथ साथ दिमाग की भी जरूरत पड़ती है। अब जैसे कि आप धोनी के इस रनआउट पर ही अपनी नजर डाल लीजिए, जहां पहले धोनी ने मिशेल मार्श को भ्रम में रखा कि हम रनआउट करने के इरादे से बॉल नहीं पकड़ रहे, आप डाइव मत लगाओ। लेकिन जैसे ही बॉल धोनी के हाथों में गई, फिर तो वो कहां रुकने वाले थे, उन्होंने तुरंत बॉल को स्टंप पर जोर से हिट कर दिया और ये एक्शन इतना तेजी से हुआ कि बेचारे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मिशेल मार्श ये समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है, और देखते ही देखते उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।